मध्य प्रदेश के बैतूल में तार में फंसे तेंदुए की रेस्क्यू के बाद सावन मेला ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। एसटीआर की टीम में आए डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम कर वहीं पर उसका नियम अनुसार अंतिम संस्कार करवाया। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। बैतूल जिले के सावल मेड़ा रेंज में रविवार सुबह एक तेंदुआ बुरी तरह तार में फंस गया। यह घटना खोमई गांव के पास रिजर्व फॉरेस्ट की सुपाला बीट से सटे हुए खेत के मेड़ पर हुई, जहां से तेंदुए की दहाड़ सुनाई दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टैंक्यूलाइजर की मदद से तेंदुए को बेहोश कर उसे सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया। प्रभारी डीएफओ दक्षिण वन मंडल बैतूल सचिन एलन ने बताया कि रेस्क्यू के बाद तेंदुए को लाया जा रहा था, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सावल बेड़ा में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम में आए डॉक्टर्स के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। तेंदुए की मौत का कारण अभी बताना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल वन विभाग की पूरी टीम जांच में जुटी हुई है। इस मामले में आशंका व्यक्त की जा रही है कि शिकार के उद्देश्य से तार लगाया गया था, उसमें तेंदुआ फंस गया। सुबह जब तेंदुए के दहाड़ने की आवाज ग्रामीणों ने सुनी तो इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग भी इसी दिशा में जांच कर रहा है। नहीं 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 लगाना, मेरी बात सुन, नहीं लगाना उसके, वो काटना पड़ेगा ना। इसको हम टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम बुलाया है और जो डॉक्टर साहब रहते हैं उनकी गाइडेंस के अंदर हमने इसकी रेस्क्यू किए है। रेस्क्यू करके फिर वी आर ट्रांसपोर्टिंग इट एंड ट्रांसफर करने के टाइम इट अनफॉर्चुनेटली डाइड। मृत्यु का कारण तो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी हम पोस्टमार्टम करके इसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब जबलपुर इधर भेजेंगे। उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाएंगे तब हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि मौत की कारण क्या था। हाई चांसेस है कि वो शिकार के लिए भी किए होंगे या अन्य कारण के लिए भी किए होंगे। वही जांच अभी गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। हमारा रेंज ऑफिसर और पूरा वन आर्मले इस पे लगे हुए है। जल्दी से जल्दी हम जो भी इसका इस कृत्य को किए या इस लेवल पे कर रहे हैं उनकी ऊपर कार्रवाई करेंगे।